प्रीवियसली ऑन दिस ट्रिप। सो लास्ट हमने चिटकुल को बाय बाय बोल दिया था और चिटकुल लीव करके हम लोग आगे बढ़ चुके थे। और यहाँ के नज़ारे देख के मुझे एक चीज़ तो महसूस हो रही है कि हम लोग कुदरत के सामने कितने छोटे हैं। अगर यहाँ का नज़ारा आप लोग देखोगे ना तो आप खुद देखो पीछे का पहाड़। ये रही खाई जहाँ पे नदी बह रही है और ये रही पहाड़ की ऊंचाई। इतना ऊंचा पहाड़ है कि मुझे गर्दन को पता नहीं कितने एंगल ऑफ एलिवेशन पे इतना टिल्ट करके देखना पड़ रहा है। उधर है बर्फ़ के पहाड़ जो हम छोड़ के आए हैं अभी, और इधर ये पथरीले पहाड़ है जो नदी उफान मारती है। कहते हैं ना जो चीज़ जितनी प्यारी लगती है उतनी ख़तरनाक भी होती है, तो ये ख़तरनाक है नदी। लेकिन हाँ दूर से देखने में प्यारी लग रही है। यहाँ पे देख सकते हो एक वॉर्टेक्स बन रहा है, रिवर वॉर्टेक्स भंवर सुना है, छोटा सा भंवर बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ नदी में पड़े हुए, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और इनके बीच से पानी बह रहा है। बहुत ही प्यारा नज़ारा जो कि अदर स्टेट्स में देखने को नहीं मिलता है बट यहाँ देखने को मिल रहा है। चलो गाइस आगे चलते हैं। ये यहाँ के नॉर्मल डॉगीज़ हैं जो काफ़ी सेहतमंद हैं। और अब हम सब लोग अपनी गाड़ी में बैठ के निकल पड़े हैं कल्पा की तरफ। और रास्ते में हमें मिला ये डैम जो कि बसपा 2 डैम के नाम से भी जाना जाता है। और ये डैम काफ़ी विशाल है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो गए थे इसको देख के। और अभी रास्ता बहुत ही लंबा है और हम लोग चलते जा रहे हैं कल्पा की तरफ। और उससे पहले हमें रास्ते में मिलेगा रिकोंग पियू। वैसे आपको इन रास्तों की एक ख़ास बात पता है कि इन रास्तों के जो नज़ारे होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आपकी नज़र उनसे हटती ही नहीं है। तो एक रास की बात बताता हूँ आपसे कि आप जब भी यहाँ आना तो खुद की गाड़ी लेके मत आना, आप एक ड्राइवर को लेके आना साथ में और एक अलग से गाड़ी कर लेना। बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी चलाते चलाते आपकी नज़र नज़ारों पर चली जाए और आप कहीं और ही पहुँच जाओ। वैसे मजाक की बात से हट के आप कोशिश करना कि खुद की गाड़ी लेके मत आना, और अगर आते भी हो तो एक लोकल ड्राइवर आप हायर कर लेना। बिकॉज आप जो नॉर्मल सड़कों पे गाड़ी चलाते हो यहाँ की ड्राइविंग उससे बहुत अलग होती है, इसीलिए आपको यहाँ पे ड्राइव करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। और ये हम लोग पहुँच गए हैं रिकोंग पियू जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। एंड ये जगह सी लेवल से 2290 मीटर्स अबव है और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। सो पूरे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो रिकोंग पियू में ही है। सो हम लोग उसी मार्केट को देखने जा रहे हैं। अब इसे आप लोग हमारा बैड लक भी कह सकते हो कि जिस दिन हम लोग वहाँ पर पहुँचे उस दिन वहाँ का मार्केट क्लोज था, बिकॉज उस दिन संडे था और हमें ये बात पता नहीं थी कि संडे को वहाँ का मार्केट क्लोज रहता है। फिर भी कुछ शॉप्स वहाँ पर खुली थी जिनको हम लोगों ने घूमा और वहाँ पर कुछ खरीदारी भी की। एंड रिकोंग पियू एक और चीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टूरिस्ट यहीं से जो आसपास के छोटे छोटे गाँव हैं जैसे चिटकुल हो गया, कल्पा हो गया, वहाँ तक जाने के लिए यहीं से बस ले सकते हैं। अच्छा तुमको मार्केट कैसी लगी? संडे की वजह से मार्केट क्लोज है। और ये हम लोग आ गए हैं सुसाइड पॉइंट के पास। ये जगह कल्पा से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है लेकिन अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि यह जगह उतनी ही खतरनाक भी है। यहाँ पे हाल ही में दिसंबर 2020 में एक टूरिस्ट महिला को अपनी फ़ोटो लेने के कारण जान गंवानी पड़ी थी। यहाँ की गहराई आप देख सकते हो इस फोटो में, और यहाँ पे इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो कि नीचे गहराई कितनी है। यहाँ से नीचे जाने का मतलब है सीधा ऊपर का टिकट आपका कट जाएगा, तो काफ़ी ख़तरनाक है ये। तो जो भी लोग यहाँ पर आना प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर से रखना, बहुत ही ध्यान से यहाँ विज़िट करना। एंड ये आ गई हमारी गाड़ी और अब हम सब लोग इसी में बैठ के फाइनली कल्पा की ओर चल देंगे। तो सब लोग गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। सो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं कल्पा में। कल्पा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। तो कल्पा पहले किन्नौर क्षेत्र का मुख्यालय हुआ करता था लेकिन बाद में मुख्यालय रिकोंग पियू शहर को बना दिया गया।
लोकल भाषा में किन्नर कैलाश पर्वत के रूप में जाना जाने वाला किन्नौर कैलाश पर्वत काल्पा का एक मुख्य आकर्षण है। यह इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। एक शिवलिंग 70 मीटर ऊंचा इसके शिखर पे है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बड़ी संख्या को वर्ष भर आकर्षित करता है। श्रद्धालु हर साल इसके दर्शन करने के लिए यहाँ तक चढ़ाई करके आते हैं। ये चढ़ाई काफ़ी मुश्किल होती है, आप देख सकते हो कि पहाड़ कितना ऊंचा है, कई दिन लग जाते हैं इसकी चढ़ाई करने में। और कल्पा में आपको बहुत सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे सेब की खेती होती है बहुत ज़्यादा। और कल्पा में हम लोग रात भर स्टे करेंगे आज, और कल हम लोग निकलेंगे शिमला के लिए। तो दोस्तों, हम लोग वापसी के रास्ते पे हैं, कल्पा से लौट रहे हैं अभी। और रास्ते में एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये है एक पहाड़ और इसी के बीच से काट के रास्ता बनाया गया है। बहुत ही यूनिक है, बिकॉज ऊपर ये पूरा पहाड़ है और ये सिर्फ टंगा हुआ है इस पत्थर के पीस पे। और ये रास्ता, यही मेन रास्ता है, यहाँ पर सब लोग खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये। और ये ऊपर के साइड पहाड़ हैं बहुत सारे, और इन पहाड़ों के सामने हम सब लोग सच में बहुत ही छोटे हैं। और अभी हम लोग रुके हैं रास्ते में नाश्ता करने के लिए, और ये हम लोग का नाश्ता आ गया। तो मेरा नाश्ता तो ख़त्म हो गया है, लेकिन और लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, तो मैंने सोचा तब तक आप लोगों को मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो सामने ये बहुत ही विशाल का पहाड़ खड़ा हुआ है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पहाड़ की स्लोप्स पे ये लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, टेरेस फार्मिंग यहाँ पे की जाती है, स्टेप फार्मिंग भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्पल के ट्रीज़ दिख जाएंगे, एप्पल ट्रीज़ में इस समय फ्लावर्स आए हुए हैं, और कुछ टाइम के बाद ये पक्के एप्पल बन जाएंगे। तो आज का हमारा सफ़र बस ख़त्म होने वाला है। तो इस वीडियो का अंत मैं एक शायरी के साथ करूँगा कि हिमाचल की तो बात ही निराली है, हिमाचल की तो बात ही निराली है, यहाँ पे चारों ओर हिम पर्वत और उन पे हरियाली ही हरियाली है। तो बस इसके बाद हम लोग शिमला के होटल पहुँच गए हैं। यहाँ पे सब लोग बहुत थक गए थे, तो हम सब लोग अपने अपने रूम में आराम करने आ गए हैं। और यहाँ का होटल इतना अच्छा है कि उन्होंने हमें जो दाल दी है वो एक बहुत ही प्यारी सी बाल्टी में दी है। तो गैस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, बहुत थक गए हैं, अभी आराम करेंगे हम लोग, और कल हम लोग निकलेंगे शिमला से चंडीगढ़ के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस करना। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय।